जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, दो सीआरपीएफ जवान और चार नागरिक जख्मी। सुरक्षा बलों पर फेंके गए थे ग्रेनेड, सड़क पर हुआ धमाका। बारामूला के अस्पताल में भर्ती कराए गए जख्मी, पूरे इलाके की घेराबंदी। अमृतसर में भारत पाक सरहद पर दिखा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ गया ड्रोन। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक, एनआईए सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी मौजूद। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दिल्ली समेत एनसीआर के सभी राज्यों का हलफनामा। केंद्र ने दाखिल किया 392 पेज का हलफनामा, प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों का जिक्र। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है केंद्र सरकार के दफ्तरों में घर से काम करने की इजाजत देना मुश्किल। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कार पूल करने की दी सलाह, सड़क पर गाड़ियों की संख्या में आएगी कमी। पंजाब के हलफनामे में कहा गया पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने में आई कमी। पंजाब ने रखी थी मांग, केंद्र सरकार किसानों को पराली के बदले 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा एमएसपी दे। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा 12 पेज का शपथ पत्र, प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की बड़ी समस्या। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की दिल्ली में आपात बैठक हुई, स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की थी सिफारिश। दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक, जरूरी सामानों को छोड़ ट्रकों की एंट्री पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा में है जहर, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर, केंद्र समेत राज्य सरकारों को कड़ी फटकार। दिवाली में हुई आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, प्रतिबंध के बावजूद कैसे फूटे पटाखे। प्रदूषण में पराली के लेकर दिल्ली सरकार की दलील पर कोर्ट का सख्त एतराज, सीजीआई ने कहा सभी को सिर्फ अपने चुनावी अभियानों से है मतलब। दिल्ली में पुराने वाहनों को बैन करने पर भी कोर्ट की फटकार, पूछा नियम लागू करने में कितना समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर साल दिल्ली का दम घुटने पर कदम उठाने को मजबूर होती है अदालत, 24 नवंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत कटेगा 10,000 का चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा सभी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी टीम। 2 महीने से हमने बहुत एग्रेसिव चलानिंग की है, हमारी तमाम जितनी भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हमने चलान किया है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण के हालात बदतर, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ। अलीगढ़ में भी दिख रहा है स्मॉग का असर, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज, अगले महीने गोरखपुर और वाराणसी जा सकते हैं पीएम। 13 दिसंबर को हो सकता है काशी का दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। गोरखपुर भी जा सकते हैं पीएम, यहां खाद कारखाने का कर सकते हैं लोकार्पण। झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का ले रहे जायजा। आज गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम, कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप के पास भी जाएंगे अखिलेश यादव, जनसभा का कार्यक्रम। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी का 5,000 महिलाओं के साथ संवाद, 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं के संपर्क साधने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया करतारपुर कॉरिडोर, सिख यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व मनाने के लिए 855 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, 26 तारीख को वापसी। अटारी वाघा सरहद से पाकिस्तान जाएंगे श्रद्धालु, ननकाना साहिब के साथ साथ पंजाब साहिब करतारपुर साहिब में मनाएंगे प्रकाश पर्व। अंबाला में भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना जत्था, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री
ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगी सरकारी प्रतिनिधिमंडल। कंगना से अब महात्मा गांधी पर साधा निशाना, कहा दूसरा गाल देने से भीख मिलती है आजादी नहीं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना का विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट, लिखा स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया, सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। महात्मा गांधी पर कंगना के पोस्ट पर भोपाल में बवाल, कंगना के पद्मश्री वापस लेने के बाद। कंगना के बयान पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, महात्मा गांधी देश और पूरे विश्व के नायक। देश में 24 घंटे के अंदर 10,100 से ज्यादा नए मामले, कल से 15% ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 301 लोगों की मौत, केरल में 210 लोगों की गई जान। देश में कोरोना सक्रिय केस 1,28,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। केरल में सबसे ज्यादा 5,500 से ज्यादा नए मामले, महाराष्ट्र और बंगाल में 800 से ज्यादा नए केस। भोपाल में चौराहे पर लगाए गए कैंप, मजदूरों को लगाया जा रहा टीका। तरनतारन में ग्रोसरी स्टोर में लगी आग, लाखों का नुकसान। दूसरी दुकानें भी आग के चपेट में, जेसीबी की मदद से दुकान तोड़कर डाला गया पानी। चरखी दादरी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में दो की मौत। मुजफ्फरपुर में सुबह की धुंध की वजह से ट्रेन नहीं देख पाने से बड़ा हादसा, चपेट में आए 3 लोगों की मौत। बिहार के खगड़िया में यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, एक महिला सहित 3 की मौत। करीब 5 लोग अब भी लापता, 40 लोग थे नाव में सवार। बेगूसराय में एक शख्स की संदिग्ध मौत, परिवार ने पहले शराब फिर बीमारी की वजह बताया। भरतपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, गली में बाइक खड़ी करने को लेकर झगड़ा। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। फोटोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे, 14 राज्यों में 70 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में सीबीआई को मिले 50 से ज्यादा गैंग की जानकारी, 100 देशों तक कनेक्शन के दायर। चाइल्ड फोटोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, यूपी के 11 चौकों पर रेड। उड़ीसा के ढेंकनाल में चाइल्ड फोटोग्राफी को लेकर रेड पर के दौरान अफरा तफरी, सीबीआई टीम से भिड़े स्थानीय लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे त्रिपुरा हिंसा का केस, आज 2 वकीलों और पत्रकारों की अर्जी पर सुनवाई। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड, पर्यटकों और राहगीरों के लिए अलाव बना सहारा। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड, जमने लगा झरनों का बहता पानी। शून्य से 5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान, चल रही है सर्द हवाएं। अयोध्या में रामलला के भोग लगाने के लिए मुकरी से जाता है चावल, गोविंद भोग चावल की सुगंध जाती है आधे किलोमीटर तक। नागपुर में किसान संगठन स्वाभिमान शेतकारी संगठन का ऐलान, किसानों के मुद्दे पर अन्न त्याग आंदोलन। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम, गहलोत सरकार ने डीजल से 4 रुपए और पेट्रोल से 5 रुपए वैट घटाए। गहलोत सरकार की राहत पर बीजेपी का तंज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते।
राजस्थान में महंगी हुई बिजली, 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगा बिल, वसूला जाएगा 250 करोड़ फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन, अशोक गहलोत ने दिए संकेत, पिछले हफ्ते आलाकमान से मुलाकात के बाद फैसला। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत के छूटे पसीने, रिश्वतखोरी खत्म करने के दावे पर बीस सामने बैठे लोगों ने कहा कि अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। दिल्ली में तेज रफ्तार का कह, डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, हादसे के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास हादसा, मालगाड़ी के 8 वैगन पलटे। बिहार के मुंगेर में हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा, सीआईएसएफ में कार्यरत पति सहित 5 गिरफ्तार। 2017 में फायरिंग के दौरान महिला के हाथ में लगी थी गोली, हाथ काम नहीं करने की वजह से पति चाहता था छुटकारा। बीते के कार्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन से भड़की डिप्टी सीएम रेणु देवी, वीडियो वायरल। यात्रा से भरी नाव गंगा में डूबी, एक महिला सहित 3 की मौत, करीब 5 लोग अब भी लापता, 40 लोग थे नाव में सवार। चावल से भरे बेकाबू ट्रक पलटा, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। संदिग्ध हालात में 12वीं के छात्र का कॉलेज कैंपस में लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। प्रेमिका को गोली मारने वाले ने किया सरेंडर, तमंचे के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा, कहा लड़की के भाई ने दिया था तमंचा। जोधपुर में फर्जी आरसी बनाने के गिरोह का पर्दाफाश, 25 फर्जी आरसी बरामद, 3 लग्जरी कार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गुरदासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई महिला की मौत पर बड़ा बवाल, परिवार के सदस्यों ने बाईपास पर लगाया जा। बिहार के नवादा में शराब तस्करों पर शिकंजा, 200 लीटर शराब बरामद, नष्ट की गई 7 भट्टियां। बिहार के सहरसा में पुलिस ने हथियारों के साथ 6 बदमाशों को दबोचा, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। मुजफ्फरनगर में दत्तों की 2 फैक्ट्री में भीषण आग, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 20 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रेवा में हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो।